हाँ तो गाइस, आज हम खेल रहे थे 1v1। अरे बाबा! तो गाइस देखो, जैसे मैं यहाँ पे एलियन देखी, वैसे पता नहीं कहाँ से मेरी कौन सी जन्म का आशिक मेरी पग्गी में लपक के आके पटक के बैठ गई। अब क्या ही बताए भैया, इधर तुम बंदों से डर के अपना गर्दन बचाने भाग रहे थे और ऊपर से एक चमकदर आके मेरे पिछवाड़े में डाल दिया, मतलब पग्गी के पीछे आके बैठ गए। उसके बाद भैया मैं सोची कि चलो क्यों ना इस चमकादड़ को मैं अपनी सुरीली आवाज सुना के पटा लेती हूँ। तो मैं कर देती हूँ अपनी माइक को ऑल पे और मैं इसको बोलने लग जाती हूँ कि हेलो जाने मन, तुम कौन हो जो मेरी बग्गी के पीछे बैठे हो? अपना नाम तो बताओ। अरे कुछ तो बताओ मुझे। अरे तुम चुप क्यों हो ऐसे, कुछ बताओ ना। हेलो, अरे जाने मन अपना माइक तो ऑन करो। पर गाइस देख लो, मैं इतने देरों से इस चमकादड़ को पटाने की बड़ा कोशिश कर रही थी, पर ये है कि पत्थर बन के मेरी पक्की के पीछे बैठा है, ना ये खोल रहा है ना हिला रहा है। मतलब यार, ना ये बंदा माइक खोल रहा है और ना ही खुद हिल रहा है। क्या ही बोलूं, पूरी की पूरी अंबुजा सीमेंट से बनी हुई स्टैचू बन गया था। गाइस मुझे सच में बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गई थी, मतलब तीखी जलेबी को एटीट्यूड दिखाएगा कोई एक कभी मैं बर्दाश्त करूंगी नहीं। अच्छा, तो मेरे इस मासूम से दिमाग में एक खतरनाक वाला आइडिया आता है। मैं सोची कि चलो चमकादड़ भैया, तुमको तारों के शहर घुमा के ले आती हूँ। तो लगा भाई तारों के शहर वाला म्यूजिक। गाइस देखो, हम लोग तो तारों की शहर पहुंच गए और अभी तक इसने माइक नहीं खोला। तो मैं सोची कि चलो इसको पानी में डुबा के मारते हैं। okay. गाइस जैसे मैं पग्गी को पानी में ले जाती हूँ, वैसे देखो क्या होते हैं। ये बंदा तो पानी से तुरंत बाहर निकल जाते हैं और मेरे आने का वेट करते हैं। अच्छा बेटा, तीखी जलेबी से चला के रुक, तेरे को मुक्का मार मार के तेरा मुँह कैसे टेढ़ा करती हूँ, बस देख ले मुक्का। अरे मर जा ना। अरे भाई मर जा ना, मेरी इज्जत की सवाल है। अगर तू नहीं मरेगा तो कोई मेरे वीडियो को लाइक नहीं करेगा, मेरे चैनल को कोई भी सब्सक्राइब नहीं करेगा, भाई जल्दी से मर जा। ओ ले 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 डेविल वाइटी, मुझसे चलाकी करेगा? हाँ मुझसे चलाकी, देखा तीखी जलेबी से चलाकी बड़ी महंगी पड़ती है।